गाउट क्या है? गाउट एक ऐसी बीमारी है, एक प्रकार का अर्थराइटिस है। जब भी किसी मरीज को गाउट की प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उस मरीज को देखने को मिल सकती है। गाउट बेसिकली होता क्या है? गाउट इज पेनफुल फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, यानी कि अर्थराइटिस का ही एक पेनफुल टाइप है, फॉर्म है। व्हेन योर बॉडी हैज एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, यानी कि जब हमारी बॉडी, हमारा शरीर एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बनाने लगती है, प्रोडक्शन करने लगती है, सार्फ क्रिस्टल में फॉर्म इन द बिग टोज अदर जॉइंट्स कॉजिंग एपिसोड ऑफ स्वेलिंग एंड पेन कॉल्ड गाउट अटैक्स। गाउट इज ट्रीटेबल विथ मेडिकेशंस एंड चेंज डाइट एंड लाइफ स्टाइल, यानी कि जब यूरिक एसिड हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है तो हमें बार बार रिपीटेड स्वेलिंग होती है, पेन होता है, ये गाउट होता है। इसके लिए कौन सी मेडिसिन होती हैं? सबसे पहली मेडिसिन होती है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। कॉल्चिसिन ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है और पेन को ठीक करती है। तो कॉल्चिसिन इज़ अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग इन्फ्लेमेशन एंड पेन। इट कैन बी यूज टू ट्रीट फ्लेयर अप्स अटैक्स ऑफ गाउट, प्रिवेंट इंक्रीज फ्लेयर अप्स ऑफ गाउट व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट ऑन अ मेडिसिन लाइक एलोप्रोनॉल टेकन टू मैनेज योर कंडीशन लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको रिपीट गाउट्स के अटैक्स होते हैं, फिलियर अप्स अटैक्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कॉल्चिसिन जो मेडिसिन है इसका यूज किया जाता है, और इसके साथ में एलोप्रिनॉल जो मेडिसिन होता है उसका भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती हैं लंबे समय तक चलती हैं आपकी, इसलिए गाउट में ये दवाइयाँ जो होती हैं, कॉल्चिसिन जो है वो लंबे समय तक आपको दी जा सकती है। और ये स्पेशली किस बीमारी को, किस सिम्टम्स को ठीक करती है? इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि गाउट के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और पेन यानी कि दर्द हमेशा साथ में आता है। तो इस मेडिसिन से, यानी कॉल्चिसिन मेडिसिन से, हम गाउट के अंदर इन्फ्लेमेशन और पेन को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं, जिससे कि मरीज को बहुत जल्द ही आराम मिल जाता है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि गाउट्स में कई बार ठंडी चीज़ें खाने से, ठंडे मौसम में, या फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं खट्टी चीज़ें खाने से मरीज को काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और उसको इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में कई सारी दवाइयां हमें लेनी पड़ती हैं। इसके साथ दूसरी मेडिसिन हमारी चलती है फेविप्सोस्टेट। फेविप्सोस्टेट का एक ऐसा ब्रांड है जो अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं। इस मेडिसिन को हम एक स्पेशल क्लास में रखते हैं। फेविप्सोस्टेट इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड जेंथिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स। इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड दैट इज मेड इन द बॉडी। फेविप्सोस्टेट इज यूज टू प्रिवेंट गाउट अटैक्स, यानी कि ये जो दवाई है, फेविप्सोस्टेट जो मेडिसिन है, ये शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है उस यूरिक एसिड के अमाउंट को कम करती है और हमें गाउट्स के अटैक से बचाती है। यानी कि अगर फेविप्सोस्टेट जो मेडिसिन है इसे हम लेते हैं या मरीज को हम देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो मरीज को यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है वो इससे कम होता है। इसके साथ में तीसरी मेडिसिन हम लेते हैं एलोप्रिनॉल। एलोप्रिनॉल एक वेस्ट मेडिसिन है। एलोप्रिनॉल जो मेडिसिन है यूज टू ट्रीट गाउट, हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी कॉज्ड बाय सर्टेन कैंसर मेडिकेशंस एंड किडनी स्टोन्स। एलोप्रिनॉल इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड जैंथिन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो मेडिसिन हमने पीछे समझे, पिछले उसमें समझे थे फेविप्सोस्टेट, उसी क्लास की ये मेडिसिन है। अगर हम उसे यूज करते हैं तो इसे यूज नहीं करेंगे, और अगर हम इसे यूज करते हैं तो हम फेविप्सोस्टेट को यूज नहीं करेंगे। तो दोनों ही मेडिसिन जो हैं यूरिक एसिड को कम करती हैं। जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की मात्रा जो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है उसे कम करते हैं। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें तीन तरह की दवाइयाँ, यानी कि स्पेसिफिक दो तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कई प्रकार के अलग अलग ब्रांड्स में आपको देखने को मिल जाता है। डॉलफेव के नाम से आपको ये मिल जाता है, डॉलफेव 40 के नाम से आपको मिल जाता है, जिसमें
फेबोक्सास्टेट टैबलेट आपको 40 mg देखने को मिल जाता है। डॉल्फार कंपनी इसको बनाती है, डॉल्फार के अलग अलग ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डॉल्फार के नाम से भी आपको दूसरी कंपनी बनाती है जो कि 80 mg में है। और इसके अलावा प्रोबिनेसिड जो टैबलेट आता है वो 500 mg में आता है, उसे भी यूरिक एसिड कम करने में और गाउट की जैसी प्रॉब्लम्स में हम दे सकते हैं मरीज को। तो डॉल्फेव जो है, या हम अगर कहें कि डॉल्फेव 40 या डॉल्फेव 80 mg, दोनों को डॉज जो है अलग अलग पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के जो ब्रांड्स होते हैं वो भी आपको अलग अलग कंपनियों से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो गाउट्स के अंदर पाई जाती हैं, यूज होती हैं, और उस दवाइयों को मरीज को हम दे सकते हैं। तो डॉल्फार और डॉल्फेव 40 mg, 80 mg बहुत ही कॉमन दवाइयां हैं जो कि आपको बहुत कम पैसे में और एक अच्छी ब्रांड्स, एक अच्छी दवाइयां आपको देखने को मिल जाती हैं। गाउट्स जो है, गाउट्स के अटैक बार बार मरीज को होते हैं और मरीज को बार बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसके जॉइंट्स में दर्द होता है। इसके अलावा जो एलोप्रिनॉल मेडिसिन है ये 100 mg में आपको देखने को मिलता है। कोल्चिसिन मेडिसिन जो है 500 mg में आपको मिल जाता है, और कोल्चिसिन जो मेडिसिन है वो आपको 0.6 mg में भी देखने को मिल जाता है। इसकी 100 टैबलेट्स आती हैं और 100 टैबलेट्स को आप एक दिन के हिसाब से, यानी पर डे टैबलेट्स के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे अगर हम बात करें एलोप्रिनॉल के बारे में बात करें तो ये अलग कंपनी बनाती है, सन फार्मा बनाता है इसे। दूसरा कोल्चिसिन की बात करें तो ये भी अलग फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो कोल्चिसिन मेडिसिन है ये भी एक अलग फार्मा के द्वारा बनाया जाता है जो कि डिफरेंट होती है। दोनों मेडिसिन का अलग अलग काम है। जो एलोप्रिनॉल है या जो हमने समझा था फेबोक्सास्टेट है, ये दोनों दवाइयाँ आपके कॉल्स जो आपका शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड होता है उसे कम करता है। और इधर अगर हम बात करें कोल्चिसिन की तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसा काम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और पेन को भी कम करती है, जिससे कि पेशेंट को दर्द कम महसूस होता है और पेशेंट को धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके हाथ पैरों में जॉइंट्स में जो सूजन होती है, जो हाथ पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोल्चिसिन जो मेडिसिन है इसे कितना दिया जाता है, तो वैन इनिशिएटिंग ULT एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोफाइलेक्सिस इज रिकमेंडेड। जब भी पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई गाउट से रिलेटेड पेशेंट को दिक्कत होती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोफाइलेक्सिस के रूप में हम दे सकते हैं। और ये जो दवाई होती है ये पेशेंट को हम अप्रॉक्स 0.5 से लेकर के 0.6 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं, पर डे दे सकते हैं कोल्चिसिन की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका मेन कॉज क्या होता है, जो रूट कॉज है वो क्या होता है, तो जो रूट कॉज होता है गाउट का वो बहुत ही एक कॉमन स्पेसिफिक है यूरिक एसिड की वजह से। यानी कि शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ता है, ब्रेक डाउन होता है, अगर हमारा प्यूरिंस, इसे थोड़ा डिटेल में समझिएगा, द ह्यूमन बॉडी मेक यूरिक एसिड ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड प्यूरिंस फाउंड इन सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स। दिस नॉर्मल बाई प्रोडक्ट्स गोज थ्रू द किडनीज एंड एग्जिस्ट द बॉडी व्हेन यू पी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम कुछ स्पेसिफिक प्रकार के प्रोडक्ट्स लेते हैं, जब हम कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये प्यूरिंस जो है बनता है, ब्रेक डाउन होता है, प्यूरिंस ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरिक एसिड बनता है और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। आई होप कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।